तुर्की में शनिवार को हुए दो अलग अलग भीषण सड़क हादसों में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई और इस दोनों घटनाओं में कुल मिलाकर करीब 50 लोग घायल हो गए। पहला हादसा गाजियांटेप में हुआ, जहां एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक एम्बुलेंस, एक अग्निशमन ट्रक और पत्रकारों को ले जा रही एक बस को एक यात्री बस ने टक्कर मार दी। इस घटना में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज चल रहा है। गाजियांटेप के दक्षिण पूर्वी प्रांत के क्षेत्रीय गवर्नर दाऊद गुल ने कहा कि मरने वालों में इमरजेंसी वर्कर्स और कुछ पत्रकार शामिल है। गवर्नर ने बताया कि आज सुबह करीब 10:45 बजे यह घटना हुई। गाजियांटेप के गवर्नर ने कहा मृतकों में 3 दमकल कर्मी, 2 इमरजेंसी वर्कर्स और 2 पत्रकार शामिल है। वहीं दूसरा हादसा यहां के मार्डिन के डेरिक जिले में हुआ, जहां बेकाबू ट्रक ने भीड़ को रौंद दिया। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री आर्टिन कोका ने कहा तुर्की में आज दूसरी बड़ी दुर्घटना में 16 लोग मारे गए और 29 घायल हो गए। उन्होंने कहा कि घायलों में 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के एक होटल पर अलकायदा के आतंकवादियों ने हमला कर दिया। हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। सोमालिया के एक खुफिया अधिकारी ने शनिवार को रॉयटर्स को बताया कि सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में अलकायदा से जुड़े आतंकवादियों ने एक होटल पर हमला कर दिया। बता दें कि हमला हयात होटल पर किया गया था। हयात होटल सांसदों और अन्य सरकारी अधिकारियों में लोकप्रिय है। फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आतंकियों में से किसी को पकड़ा गया है या नहीं। बताया जा रहा है कि हमले की जिम्मेदारी सोमालिया के अल शबाब विद्रोहियों ने ली है। हमलावरों ने शुक्रवार शाम राजधानी स्थित हयात होटल में पहले बमों से हमला किया और फिर गोलीबारी शुरू कर दी। उधर घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शुक्रवार रात को लगातार धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। होटल पर आतंकियों के हमले के बाद स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाला और काफी देर तक चली गोलीबारी के बाद आतंकियों के कब्जे से होटल को मुक्त कराया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 7 बजे तक गोलीबारी जारी रही थी। बताया जा रहा है कि हमले के बाद होटल का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। मई में राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद के सत्ता संभालने के बाद शुक्रवार को हुआ हमला पहला बड़ा हमला था। जिहादी समूह के बयानों की निगरानी करने वाले SIT इंटेलिजेंस ग्रुप के एक अनुवाद के अनुसार अलकायदा से जुड़े अल शबाब समूह ने हमले की जिम्मेदारी ली है। अल शबाब पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से सोमालिया सरकार को गिराने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह इस्लामी कानून की सख्त व्याख्या के आधार पर अपना शासन स्थापित करना चाहता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ब्रेन माने जाने वाले दार्शनिक अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी कार में लगे बम धमाके में मारी गई। 29 साल की दारिया दुगिन की मौत राजधानी मॉस्को में हुई है। माना जाता है कि अलेक्जेंडर दुगिन यूक्रेन में चल रहे मिलिट्री ऑपरेशन की योजना बनाने वालों में से एक है। दारिया दुगिन एक पत्रकार थी और वह यूक्रेन पर हुए हमले के पक्ष में थी। रूसी मीडिया के अनुसार दारिया अपने पिता के साथ शनिवार की शाम को एक ही कार में किसी कार्यक्रम से लौटने वाली थी, लेकिन उनके पिता ने आखिरी मिनट में बदलाव किया और एक अलग कार में वे वापस लौटे। BBC के मुताबिक इस हमले का टारगेट दारिया के पिता थे या नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। धमाके के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं की जा सकी है। वैसे तो अलेक्जेंडर दुगिन का आधिकारिक रूप से रूसी सरकार से कोई नाता नहीं है, लेकिन दुगिन पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध पर ऑनलाइन फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगने के बाद ब्रिटेन ने दारिया दुगिन पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। एक रूसी नेता डेनिस पुशिलिन ने इस कार विस्फोट के लिए यूक्रेनी शासन के आतंकवादियों को दोषी ठहराया है। उन्होंने लिखा कि वे आतंकवादी अलेक्जेंडर दुगिन को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बेटी को खत्म कर दिया। उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा, दारिया एक सच्ची रूसी लड़की है।